नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज जिक्र हम करेंगे दो महान राइटर्स का, वो राइटर्स जिन्होंने सही मायने में लेखकों को फिल्मी दुनिया में इज्जत दिलाई, शोहरत दिलाई, नाम दिलाया। और वो कोई और नहीं है, वो हैं सलीम जावेद। सलीम खान और जावेद अख्तर साहब, कब इन दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी और फिर ये जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हम सिने प्रेमियों का हुआ, आज इस पर कुछ बात करेंगे। दोस्तों, 60s का दौर था, 65 के आसपास का, जब सलीम जावेद मिले सरहदी लुटेरा के सेट पर और फिर डेस्टिनी के तहत ये दोनों जुड़ गए। सलीम साहब तो हीरो बनना चाहते थे, आए भी वो तीसरी मंजिल में कुछ फिल्मों में, और जावेद साहब स्ट्रगल कर ही रहे थे, किस्मत ने इन्हें मिला दिया और दोनों ने फिर राइटिंग को अपना मुकद्दर समझ लिया और फिर फिल्में लिखने शुरू की। वक्त बीता और कुछ फिल्में मिली, हाथी मेरे साथी, अंदाज, सीता और गीता, लेकिन जंजीर फिल्म ने इन दोनों को स्थापित कर दिया और वो पहली ऐसी फिल्म रही जिस पर इनका नाम आया पोस्टर्स के ऊपर। हालांकि प्रकाश मेहरा ने पहले इनका नाम नहीं छापा था, लेकिन इन दोनों ने खुद ही गुस्से में एक पेंटर से कह के अपना नाम छपवा दिया रातों रात, और इस तरह से फिर सलीम जावेद का नाम आया। फिर उसके बाद एक हिस्ट्री है, शोले, दीवार, एक से बढ़कर एक फिल्में इन्होंने पूरी इमेज बदल दी हीरो की, एंग्री यंग मैन। यहां तक कि यह भी आता है कि जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट कहानी तो पहले ही सलीम साहब लिख चुके थे, जावेद साहब बाद में जुड़े, क्योंकि सलीम खान साहब के जो वालिद थे वो पुलिस में थे तो उन्हें एक अंदाजा था। बहुत सी बातों का क्रेडिट सलीम साहब ने नहीं लिया, चाहे वो अमिताभ बच्चन को शोले दिलवाने का हो। खैर साहब, इन लोगों ने कई फिल्में लिखी, फिर जावेद साहब ने बाद में गीत भी लिखे, ये हम जानते हैं। एक एक डायलॉग इनका हमें याद है, दीवार फिल्म को कौन भूल सकता है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि सलीम और जावेद अलग हो गए। पहले तो लोग ये समझते थे कि सलीम जावेद एक ही इंसान के नाम है, सलीम जावेद, बाद में पता चला कि ये अलग अलग दो लोग हैं। 12 साल तक इन्होंने साथ काम किया, फिर एक दिन अचानक जावेद साहब बैठे हुए थे एक होटल में सलीम साहब के साथ, तो जावेद साहब ने बातों बातों में कहा कि अब मैं अलग काम करना चाहता हूं। सलीम साहब ने सुना और कहा, क्या, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। जावेद साहब ने फिर कहा, अब मैं अलग होना चाहता हूं। ये बात सुनकर सलीम साहब ने बस इतना कहा, दोस्तों, कि ये बात आपने 5 मिनट या 10 मिनट में तो नहीं सोची होगी, पहले से सोच रहे होंगे। तो जावेद अख्तर ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, अब मैं गीत भी लिखना चाहता हूँ, और आप चाहें तो आप गीत लिख सकते हैं मेरे साथ, आपका नाम भी रहेगा वैसा ही जैसे सलीम जावेद का नाम रहता है। लेकिन सलीम खान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे गीत लिखना आते भी नहीं है, और जो काम मुझे नहीं आता वो मैं नहीं कर सकता, और फिर ये भी होगा कि आप जाएंगे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के चक्कर काटेंगे गीत के लिए, मैं तो जाऊंगा नहीं, और जाऊंगा भी तो मुझे कुछ आता नहीं है, और इसका नतीजा ये होगा कि लोग ये समझेंगे कि जो हम स्क्रिप्ट लिखा करते थे, स्क्रीन प्ले लिखा करते थे साथ में, उसमें भी आप लिखा करते थे, ज़्यादा मैं नहीं लिखता था, जैसा गीतों में होगा वैसे ही फिर लोग वो भी समझेंगे। इसलिए सलीम खान ने अपने आप को अलग करना दोस्तों बेहतर समझा, और इस बात के बाद वो उठकर बाहर आ गए,
जावेद अख्तर पीछे पीछे दौड़ते हुए आया और उन्हें रोका सलीम खान को। सलीम खान ने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए। बस मुड़कर इतना कहा जावेद अख्तर से कि आप यहीं रुकिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और ये कहकर आ गए। उस दिन एक बिजली और गिरी सलीम खान पर। दोस्त तो छूटा ही, जोड़ी तो टूटी ही। उसी दिन हेलन की माँ जो बीमार थी उनका भी देहांत हो गया और सलीम खान फिर उनके अंतिम संस्कार में चले गए। दूसरे दिन फिर फोन आना शुरू हुए सलीम खान के पास कि क्या आप और जावेद अलग हो गए हैं, आप और जावेद अलग हो गए हैं। सलीम खान ने फ़ोन करके जावेद अख्तर से पूछा कि आपने क्या ये अनाउंस कर दिया। तो जावेद अख्तर ने कहा कुछ दोस्तों को मालूम था, हो सकता है उन्होंने प्रेस को बता दिया। और उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई कि सलीम जावेद अलग हो गए, और फिर ऐसे अलग हुए दोस्तों कि फिर कभी साथ काम नहीं किया। फिर जावेद अख्तर अपना काम करते रहे, सिलसिला में गीत लिखे और कई गीत लिखे, मिस्टर इंडिया कहानी भी लिखी, और सलीम खान अपना काम करते रहे। उनके बेटे सलमान हम जानते हैं कितने बड़े स्टार हैं। लेकिन फिर इन दोनों की मुलाकातें ज़्यादा नहीं हुई, एक दो इंटरव्यू ज़रूर हैं, अगर आप देखें तो आपको दिख जाएंगे इसमें ये साथ आए हैं। लेकिन वो जो साथ था जय और वीरू वाला, जंजीर वाला, दीवार वाला, हाथी मेरे साथी, वो फिर नहीं लौटा और ये दोनों अलग हो गए। अफसोस बस ये होता है कि काश ये लोग और साथ काम करते तो हम जैसे लोगों का भला होता। लेकिन इन दोनों ने जितना भी काम किया वो बहुत अच्छा किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब क्या कह सकते हैं, जोड़ी टूट गई लेकिन वो फिल्में अमर रहेंगी। ऐसे महान राइटर्स सलीम जावेद को, जिन्होंने कई लोगों के करियर बनाए, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी शामिल हैं, ऐसे महान राइटर्स को हम सलाम करते हैं। और आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, इनकी बातें यहीं ख़त्म नहीं हो सकती, फिर आपसे बात करेंगे किसी और कार्यक्रम में इन दोनों राइटर्स के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर, अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज, आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नगमे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।